नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुलंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास। दोस्तों दिल्ली दहल गई और किसी को कानो कान कोई खबर भी नहीं होती है। आज हालात दिल्ली की ये है कि करीब करीब 500 लोग मारे जा चुके हैं और कम से कम 500 लोग घायल हो चुके हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं। अब बात करते हैं कि दिल्ली को दहलाया किसने। दोस्तों दिल्ली को दहलाने में किसी वर्ग विशेष का हाथ नहीं, इसमें सभी लोगों का हाथ है। इसको किसी जाति के चश्मे से पहनकर नहीं देखना चाहिए। इस दंगे में सभी पार्टियां और सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। दिल्ली में ऐसा माहौल दिया गया कि सभी को खुली छूट जैसे दी गई हो लूटपाट करने की। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का फेल्योर सामने आता है, वो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दूसरा गृह मंत्रालय। इन दोनों ने इस मामले को बहुत ही हल्के ढंग से लिया, जिसका नतीजा आज सारा विश्व देख रहा है कि किस तरह दिल्ली जल रही है। और दोस्तों मैं बताता हूँ कि इसमें सरकारी मशीनरी ने बहुत ही ढिलाई बरती है, नहीं तो यकीन मानिए सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ये दंगा रोका जा सकता था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इसको नहीं रोका गया, इसको भड़कने दिया गया। मैं किसी पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि हाँ आपने ये किया है, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा मेरे सामने है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूँ कि ये सबका बनाया हुआ ड्रामा है, ये किसी एक का नहीं है, सब ने थोड़ा थोड़ा इसमें किया हुआ है। और जब आग ज्यादा बढ़ गई, रोकने से रुक नहीं रही है, तो लोग एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे। कैसे मान लिया जाए कि इसमें सिर्फ जो है मुस्लिम वर्ग ही दोषी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है हिंदुओं के एक विशेष वर्ग को चढ़कर मस्जिद तोड़ते हुए। कैसे मान लूं कि इसमें सिर्फ हिंदू ही दोषी है। मैंने हिंदुओं की भीड़ को मुस्लिम बूढ़े को बचा कर ले जाते हुए भी देखा है। कैसे मान लूं कि मुस्लिम इसमें निरपराध है। मैंने मुस्लिमों को लोगों को चाकुओं से गोदते हुए दिल्ली में देखा है। मैं फिर कहता हूं कि इसमें कोई व्यक्ति विशेष या कोई जाति धर्म से न देखा जाए, ये सिर्फ और सिर्फ सभी वर्गों के मिले जुले गुंडे हैं, जिनको बैक डोर से चढ़ाया और भड़काया गया है। मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पे। ये प्रशासन की लाचारी है। आतताई दो दिन तक जो है दिल्ली में नग्न तांडव करते रहे और आप ट्रंप के साथ डिनर करते रहे। पुलिस को एक मिनट का भी जो है संदेश नहीं दिया गया, खुली छूट नहीं दी गई। जब तक ट्रंप साहब दिल्ली में बैठे रहे, तब तक जो है पुलिस को रोक के रखा गया। क्यों रोक के रखा गया? आप चाहते तो आप जो है दंगे को तुरंत कंट्रोल करा लेते, लेकिन मेरा तो मानना है दोस्तों कि आपने दंगे को चाहा कि थोड़ा ये और बढ़ के। क्या आपका इरादा दिल्ली की जनता से खुन्नस निकालने का तो नहीं था? इरादे आपके जो भी रहे हो, पिस तो गई जनता, देश बदनाम हुआ, दिल्ली बदनाम हुई। उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार अब जो है आंख खोलेगी और ऐसे लोगों पे कड़ाई के साथ कार्रवाई की जाएगी जो देश को बदनाम कर रहे हैं और दिल्ली को जला रहे हैं। दोस्तों दंगे का दंश वही जानता है जिसने इसको झेला हुआ है। भीड़ आती है, आपका सब कुछ दो मिनट में बर्बाद कर चली जाती है। मलहम लगाने वाले मुंह से मलहम तो लगा कर चले जाते हैं, लेकिन वो दर्द कभी नहीं भरता जो आतताइयों द्वारा किसी एक परिवार को दिया जाता है। फिर कहता हूँ, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं, कोई मान नहीं, कोई ईमान नहीं। इनको तत्काल दमन करिए और सीधा आरोप दिल्ली सरकार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी बात आप लोग आगे जरूर पहुंचाओगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।